हाँ, गोस्लो का देख रहे थे हम। गोस्लो में एप्लीकेशन देख रहे थे, एक तो फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए जो है हम इसे अप्लाई कर देते हैं किसी बॉडी के लिए, उसका तो फॉर्मूला ही है। चार्ज इनसाइड अ बॉडी फाइंड करने के लिए देखा था हमने, ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे थे पहले। और तीसरा एप्लीकेशन होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच रिलेशन है ये, चार्ज 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 के बीच एक ऑल्टरनेटिव रिलेशन है कूलम लॉ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम भी आ जाता है। बट गिवन कि सिमेट्रिक केसेस, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ कुछ ही केसेस हैं जो निकाल सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक सिमेट्रिसिटी इज इम्पोर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, इनके डेरिवेशन हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हम ऑलरेडी सारे फॉर्मूला तो जानते हैं, बट हम डेरिवेशन कर रहे हैं उनका। फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे। पहला डेरिवेशन करो आप इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, फियो क्या फाइंड करना चाह रहे हैं हम, ये जो किस चीज का डेरिवेशन करना चाह रहे हैं बेसिकली ये पूछ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन तो फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, और कहाँ कहाँ देखेंगे हम, इनसाइड इनसाइड सरफेस इनसाइड आउटसाइड आउटसाइड द सरफेस और आउटसाइड। फॉर्मूला पता है, बताना जल्दी से। ई इनसाइड था जीरो, यस सरफेस का था के सरफेस क्यू में, बाय आर स्क्वायर, यस और सर, आउटसाइड का था के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब एक में था जो सरफेस वाला था उसमें हम स्फीयर का रेडियस ले रहे थे, और आउट वाले में जो बड़ा रेडियस है जहां पे वो पॉइंट है बाहर, छोटा आर जो था मतलब स्फीयर का नहीं दूसरा रेडियस। तो हमको एक सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है क्यू, ठीक है, जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है आर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसका इनसाइड आउटसाइड और ये के लिए पॉइंट सर मैं बताऊं, पॉइंट क्या है। तो पहले हम देखते हैं सर मैं इनसाइड। बताऊं, हाँ इनसाइड बोलो। 0 होगा और ई सरफेस होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आउट होएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये तो आसान था। इनसाइड पॉइंट के लिए डेरिवेशन करना है, अच्छा डेरिवेशन है तो पता तो है ही हमें वैल्यू। सर। हम क्या कर रहे हैं देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको वही डेरिवेशन लिखते वक्त सारा अजम्पशन लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग चार्ज क्यू व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ऑन अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सबसे पहले तो ये लिख दो, फिर उसके बाद नाउ लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इनसाइड द सरफेस। ये आपका कौन सा सरफेस है, गॉसियन गॉसियन सरफेस, ये है आपका गॉसियन सरफेस, ये जिसको लिखा हूं। ठीक है, तो ये अगर इमेजिनरी सरफेस, आपको बोलता है मैंने इमेजिनरी भी हो सकते हैं, इमेजिनरी सरफेस आपने अंदर मान लिया कि स्फीयर के अंदर एक ऐसा स्फीयर है, छोटा स्फीयर है। ठीक है, यस सर। इनसाइड क्या करना है आपको, इमेजिन अ गॉसियन स्फीयर सरफेस। आपने गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया, फिर क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे वो, यूजिंग गॉस लॉ, आप गॉस लॉ को यूज करो। बोलेंगे यूजिंग गॉस लॉ वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी इज इक्वल टू क्यू एंड क्लोज व्हाई नॉट।
इस सरफेस पे भी इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा उस सरफेस ने जो चार्ज एनक्लोज्ड किया है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यस सर, होगा कि नहीं होगा? और होगा इस सरफेस के अंदर क्या है? यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है तो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो। नो चार्ज नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये लिख दो। बट इस केस में बोल रहा हूँ मैं, ये वाले के केस में, ठीक है, बट क्यू एनक्लोज जो है कितना होगा? जीरो। क्यों? जीरो। एज देयर नो इज नो चार्ज चार्ज नो इनसाइड द गॉसियन चार्ज सरफेस। कैन रिसाइड इनसाइड द कंडक्टिंग गॉसियन सरफेस बॉडी। यस सर। और चार्ज कौन सा? सिर्फ एक्सेस वाला, नो एक्सेस चार्ज, ठीक है। यस हाँ, सर। कैन डिसाइड इनसाइड द कंडक्टिंग बॉडी, ये बोल सकते हो। तो सारा चार्ज तो सरफेस पे है, तो उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है ये क्या होना चाहिए? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या होगा? जीरो। जीरो। यस सर। इसका मतलब ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे अंदर? जीरो। जीरो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट रखते। हाँ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नहीं होंगे, तो किसका नंबर काउंट करोगे? तो ई इनसाइड जो है वो इतना आ जाएगा, जीरो। ई इनसाइड जो है जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस क्वांटिटी को जीरो होना है। यस सर। ठीक है, तो लिहाजा मतलब उस सरफेस से कोई लाइन एंटर नहीं कर रही है, या फिर या तो ऐसा बोलो नहीं कोई एग्जिट। कि जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी लाइन एग्जिट करेंगी, यस सर। या फिर बोलो कि एक भी लाइन एंटर नहीं करेंगी और एक भी लाइन एंटर एग्जिट नहीं करेगी, ठीक है। तो जब हम ये बोल ही दिए कि चार्ज है डिसाइड नहीं करता है, नो चार्ज कैन डिसाइड इनसाइड द कंडक्टिंग सरफेस, तो ना तो लाइन एंटर करेंगे और ना ही लाइन लीव एग्जिट करेंगे, करेंगी। एग्जिट करेंगे। नहीं तो ये तो आप पहले भी बोल रहे थे ना सर, ये तो बहुत केसेस में जीरो हो सकता है, ठीक यस सर। है। ये केसेस में किस में? ई अगर परपेंडिकुलर हो डीए के, कोस हाँ तो cos 90 0। 90 जीरो। बट अगर आप ये इस तरीके से भी सोचोगे तो भी आप कंक्लूड करोगे कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगा। कौन यस सा सर। प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगा? अगर आप इसको रखने की सोचोगे, इसको रखने की सोचोगे हमेशा, तो होगा क्या? परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा एरिया तो इधर है डीए, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर होना पड़ेगा, ना। यस अगले पॉइंट पे इधर होना पड़ेगा, तो मतलब इस तरीके से रहना पड़ेगा, सर। ये पॉसिबल ही नहीं है। वो तो क्लोज लूप बना देगा, तो यस सर। होता ही नहीं है वो तो। फिर वो जीरो तभी हो सकता है जब क्लोज लूप बने, तो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो वाला भी हमको केस हटा देना पड़ेगा। आपके यस पास सर। एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये जीरो अब तब हो सकता है जब ये वैल्यू ही जब क्यू जीरो, इंक्लोज जीरो। क्यों इनक्लोज जीरो नहीं, ये वैल्यू ही अब जीरो हो जाए, मतलब इस इंटीग्रल को सोच रहे ना, ये जीरो कब हो सकता था? हाँ यस सर। ई 0 हो जाए पूरी टर्म 0। E को ही जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस टर्म का क्या मतलब था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कोस थीटा एंगल बिटवीन, इसका इंटीग्रल जीरो करना था, तो हम देख रहे थे कि कई बार तो इसकी वजह से जीरो हो जाता था, यस सर। ठीक है। एक केसेस हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, क्लोज्ड बॉडी हो, तब भी ये जीरो हो जाता है। यस सर। था ना एक केस, हाँ बट वो केसेस यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, ये कह रहा हूँ। क्योंकि सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो थीटा से नहीं बनेगी ना। यूनिफॉर्म भी नहीं बनेगा,
अगर आप बोलो कि सर कोई यूनिफॉर्म फील्ड हुआ तब क्या करेंगे ऐसा, कि जो चार्ज ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना वो उसको यूनिफॉर्म रहने नहीं देगा अगर कोई बाहर से यूनिफॉर्म फील्ड भी आता है, यस ठीक है, तो हम वो पास, वो अंदर से पास भी नहीं करता वैसे तो। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो रहता है तो कंडक्टर के बल्क में कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि ओके ये सरफेस तो कितना बड़ा ले सकते थे आप, बहुत बड़ा इसको बड़ा बढ़ाते रहो, आप इसको देखो इस तरीके से ले सकते थे, स्फीयर का साइज बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ता रहेगा। हाँ इस सरफेस को तो आप बढ़ा सकते थे इस तरीके से, यस कंसेंट्रिक सर इसको बस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो, ऐसा माइंड में इमेजिनेशन ही करनी है। हाँ तो फिर तो और कम होती जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर आ सकती हैं। आएंगे ही नहीं, यही तो बोल रहा हूँ, यस कम सर से कम मतलब बाहर बाहर और सरफेस पे हो जाएंगी। हाँ बाहर सरफेस से तो शुरू होंगी, ओरिजिनेट ही वहीं से होंगे, यस सर इस केस में तो जीरो ही आ गया, ठीक है, तो इनसाइड केस के लिए तो जीरो आ गया आपका बेंडिंग, तो सरफेस और आउटसाइड के लिए क्या आएगा, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर और आउटसाइड पे भी के क्यू बाय के आर क्यू बाय स्क्वायर आर स्क्वायर। बस वो रेडियस में फर्क था। सरफेस में आर लेंगे स्फीयर का और आउटसाइड में जो वो पॉइंट है। सरफेस और आउटसाइड फोर करके लिख लो, दोनों करके लिख देता हूँ, ठीक है, सरफेस और आउटसाइड के लिए करेंगे, सरफेस और आउटसाइड के लिए देखो गॉसियन सरफेस कहाँ इमेजिन करोगे अब आप, इसके बाहर करोगे, यस सर बाय मिनिमम सबसे छोटा कहाँ कर सकते हो, जस्ट सरफेस के पास, जस्ट सरफेस के पास आप इस तरीके से एक गोशन सरफेस इमेजिन करो यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ठीक है, इनक्लोज्ड। जिसका रेडियस जो है स्मॉलर है, एक गोशन सरफेस इमेजिन कर ले। अब जो है आपको क्या करना है, इस सरफेस से तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप गॉस लॉ लिखोगे, यूज गॉस, यूजिंग गॉस हाँ गॉस लॉ की इक्वेशन यूज करो, तो गॉस लॉ की इक्वेशन यूज करोगे, अगर आप कोशिश करोगे यूज करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, पूरी क्लोज सरफेस पे की जो है इक्वल टू कितना मिलेगा, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यस सर क्यू इनक्लोज इस बार पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज है ना, यस सर ये बोलेगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू अब आप कितना देखो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है कौन से, इस सरफेस को कुछ नाम दे दो, टू बोल देता हूँ इसको और पहले वाले को वन बोल देता हूँ, तो ये गॉसियन सरफेस टू है, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जीएस टू की बात कर रहा हूँ, यस सर इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है, इसके अंदर आपको प्लस क्यू यूनिट का चार्ज दिख रहा है जितना भी इसके अंदर एनक्लोज है, तो पॉजिटिव आप लिख दो क्योंकि ये तो आपको पता चल गया ये तो है प्लस क्यू, तो आपका बेसिकली इंटीग्रल ऐसा आना चाहिए, इंटीग्रल ई डॉट डॉट डी इज इक्वल टू प्लस क्यू बाय प्लस एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, बट अगर आप इस सरफेस पे देखो, इस सरफेस पे जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, जस्ट इमेजिन करो इस सरफेस के ऊपर फील्ड का डायरेक्शन इमेजिन करो, आउटवर्ड होगा यस सर पॉजिटिव है आउटवर्ड होगा और डीए भी कहां पर होगा, क्या। डीए 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 का डायरेक्शन कोई भी छोटा एरिया लोगे तो कोई भी यहाँ पे छोटा एरिया लो उसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक यस फील्ड का सर डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा, जीरो यस सर तो थीटा कितना होगा उनके बीच, जीरो जीरो वन डिग्री हो जाएगा कॉस जीरो। और ये तो हर पॉइंट पे होगा अब ऐसा, यस सर और इस पॉइंट पे मतलब जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, सब जगह क्या होगा, सेम क्योंकि होएगा। यस सर वो सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, हाँ जितना मैग्नीट्यूड इन्फ्लुएंस का यहाँ आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा सब जगह, तो
आपको ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो इसको बाहर ले सकते हो, और डीए और कोस 0 आएगा तो डीए डॉट डॉट खत्म हो जाएगा ये। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर इस क्वांटिटी को मैं ऐसा लिखना चाहूँ, ई मैग्नीट्यूड डीए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 0 लिख सकता हूँ, यस सर। प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्शन तो चली गई, डायरेक्शन का तो कोई रोल नहीं है, तो ई मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ पूरी सरफेस पे, अगर पूरी सरफेस पे मुझे इंटीग्रल करना है क्योंकि मैंने क्लोज इंटीग्रल लगाया है, मुझे पता है कि पूरी सरफेस पे ये वैल्यू सेम है, इसको मैं यस सर। इंटीग्रल से बाहर ले सकता हूँ। इंटीग्रल में क्या बचेगा, कोस 0 हो जाएगा 1, तो क्लोज सरफेस पर किसका इंटीग्रल करना है, सिर्फ वो तो ए ही हो जाएगा। वो तो कितना हो जाएगा टोटल एरिया, तो यस सर, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, नहीं 4 पाई फोर आर, पाई आर स्क्वायर, फोर पाई आर सॉरी। स्क्वायर किया जाएगा इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आउटसाइड, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो वन बाय जाएगा फोर जे क्यू बाय आर पाई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, तो मतलब कितना बचा ये के क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता था हमारा, यस सर। इसी को रटते थे हम के क्यू बाय आर स्क्वायर आउटसाइड। और सरफेस के लिए क्या होता था, सरफेस के लिए भी ये सर, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस आर रेडियस स्फीयर का सरफेस होएगा। के लिए जो आर है वो रेडियस को आर पुट कर दो तो आपका बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सेम यस चीज सर। रहेगा, तो कोई अलग से करना नहीं है, आप क्या करना इसी में ही ये लिख देना बस, बस सरफेस के लिए जानना चाह रहे हैं है ना। सर, इसमें हमने ई को यूनिफॉर्म माना, इको ई यहाँ पे यूनिफॉर्म आया ना, क्योंकि पॉजिटिव है तो हर जगह से बाहर निकल रहा होगा। यूनिफॉर्म में डायरेक्शन भी सेम होती है मैम, मैग्नीट्यूड सिर्फ कांस्टेंट आ रहा है पूरी सरफेस। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। और सर, ऊपर वाले केस में ऊपर वाले केस जब में ई हाई जब नहीं हुआ, ई जब हमने E0 ले E0 आया वहां पे, फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ E0 हुआ, एब्सेंट हुआ ना, उसको यूनिफॉर्म बोलो नॉन यूनिफॉर्म बोलो उसको डायरेक्शन ही नहीं है, हाँ, वो है ही नहीं। ठीक है। नल वेक्टर है ना ये तो, यस सर, आ गया। तो ये है। अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन, अगर इस तरीके का दे बोर्ड स्कूल में आ जाता है, इट प्रूव दैट ये प्रूव करने के ए, लिए आता हाँ प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ कंडक्टर इज 0, है? ठीक है। यस सर, आसान ही है सर। अंदर गॉसियन सरफेस ले लेंगे, फिर फॉर्मूला लिख आपको देंगे। बेसिकली फिर ये करना पड़ेगा, अगर प्रूफ करने यस को सर, बोल दिया, अंदर लेंगे तो क्यू एनक्लोज को 0, और अगर बाहर या सरफेस का करेंगे तो थीटा से करेंगे। नहीं बस मैं सुन तो लो पूरा क्वेश्चन, यही अगर बोला जाए बस, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सरफेस इज 0, हाँ सर, बस वो कर लेंगे ना, अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, क्वेश्चन क्यू सरफेस एनक्लोज 0 लिख इमेजिन करो देंगे, कंडक्टर E0 आ को, जाएगा, बस गॉसियन खत्म। क्लोजिंग कर लेंगे ये सब। इसको करना है, इसको करना, तो मतलब यही प्रूफ है उसका, जो बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होता है, जब हम पढ़ रहे थे मैं आपको कुछ अजम्पशन लिखवाया था ये वाली, यस ठीक सर, ये रहा, ये रहा। है, तो यस सर, ये वाली तो हमने कर दी प्रूफ, यस सर। इसका इसका ये फॉर्मल प्रूफ है किस तरीके से करता है, ये सब जगह वैलिड है। सर ये तो आपने बहुत लेम था केस ले लिया कि यूनिफॉर्म स्फीयर ले लिया और उसके लिए कर दिया, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तब तब भी होगा क्या, तब भी होगा अंदर, क्योंकि चार्ज डिसाइड नहीं करता है, क्या बोला, नेट चार्ज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। तो इसके बेसिकली देखो ये प्रूव होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, कि ये कंडक्टर होना चाहिए। पहले तो ये प्रूव होना चाहिए, यस सर। और ये तो हमने प्रूव किया नहीं अभी तक, यस सर। ये तो अभी भी अजम्पशन है ना कि नेट चार्ज बाहर लाई करेगा,
हाँ ये तो हमने बनाया है, ड्रॉ ही करा है। हाँ ड्रॉ किया, उसको जैसे अगर ये बाहर मान लिया तो ऐसा प्रूव हो गया। तो मतलब यस सर, प्रूफ टू का प्रूफ, करना है अपने। हाँ टू का प्रूफ वन के प्रूफ पे डिपेंडेंट हो गया। तो मतलब अगर वन ठीक है तो टू ठीक है, बट यस सर। वन का भी खुद ही नहीं पता। तो ये तो हो गया आपका, ऑल विल बी प्रूव लेटर। तो ये अब हो गया प्रूफ। ये तो कब से चल रहा है, नेट चार्ज लाए एट दी सरफेस वाला, आउटर सरफेस। ठीक है, तो वापिस आते हैं बैक टू वर्क। दूसरा केस देखते हैं, इसमें कोई था नहीं, इसमें क्या है पॉइंट, इसमें प्रूव हो गया कि पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट हमारा सही था, क्योंकि यस सर। फॉर्मूला वही आ रहा है। हमने इसमें कोई पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट नहीं दिया है चार्ज को, सर बस थीटा को कर लिया आसान। इसमें कोई पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट तो नहीं दिया ना, बट जो नहीं सर। वो फॉर्मूला जो आ रहा है ना, वो वैसा ही आ रहा है जो पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे के आता, सेम यस सर, सेम आ रहा है, वो आ रहा है। तो हमारा जो शेल थ्योरम था ना, जिसमें बोल रहे थे कि भी प्रूव पॉइंट हो गया। पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो वो गॉस लॉ का, गॉस लॉ से प्रूव हो गया वे। आप उसको शेल यस थ्योरम दे सर, सकते हो, और ये भी शेल थ्योरम ही था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो यस रहता है, सर। कोई हाँ जीरो ये तो रहता था है। ही, तो ये शेल थ्योरम के प्रूफ हैं दोनों, कि बाहर के लिए शेल आप, थ्योरम से तो सर हमने वो प्रूफ कर लिया था ना, नॉन कंडक्टिंग का। नॉन कंडक्टिंग में भी किया, यूज किया था, बट शेल थ्योरम ये कह रहा था ना कि अंदर कोई फोर्स नहीं लगेगा और बाहर के फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट दे सकते हो। यस सर। ये दोनों शेल थ्योरम के भी प्रूफ हैं। यही है शेल थ्योरम जो अभी मैं दिखा तो रहा था, वहां लिखी हुई थी, यस सर, वो उसके लिए लिखी थी, नॉन कंडक्टिंग के लिए। किसी के लिए भी ठीक है, कंडक्टिंग के लिए भी ठीक है। चार्ज पार्टिकल आउटसाइड द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए बस, ऑन इट हाँ मैं सरफेस। ऊपर वाला कह रही थी, वो जो हमने प्रूफ भी करा था। ठीक है, तो दो केसेस यस हैं, सर। इन दोनों के प्रूफ भी वही है जो उसमें अभी कर रहे हैं। कोई ऐसा पूछेगा नहीं, बट इन जनरल मैं थोड़ा ब्रॉड व्यू में बता रहा हूँ कि ये दोनों क्या क्या बातें कह रहे हैं। यस सर। एक तो हो गया हमारा कंडक्टिंग स्फीयर, आगे समझ। यस सर। पर आपको नहीं लग रहा होलो यस शेल, अगर ये होलो शेल भी होता तो भी सेम ही आंसर, सेम केस होता। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, हाँ सर, तो भी अंदर खाली होता तो क्यों एनक्लोज जीरो होता, वो भी सेम आता, उसका तो ना करूंगा मैं यहाँ पे, सेम आता। मैं नोट करके लिख दे। या लिख सकता हूँ नोट, सेम की सेम डिटो डेरिवेशन। सर फॉर्मूला भी तो सेम ही था। हाँ सेम डेरिवेशन इज फॉर होलो कंडक्टिंग शेल। ठीक है, अगर यही जो डेरिवेशन है शेल के केस में होता तो भी अंदर क्या होता, अंदर होता जीरो अंदर होता जीरो और बाहर होता के क्यू बाय आर स्क्वायर। और सरफेस पे भी के क्यू बाय आर स्क्वायर, बस वो आर होता स्फीयर का और तब होता बाहर वाला। बस यही सेम, ये भी ध्यान रखना, ये भी कर देना, यस सर। ये भी और ये भी, तो सेम डेरिवेशन रहेंगे उसके, अंदर यही रहेगा बाहर यही रहेगा, तो उसको करा नहीं रहा मैं गलत, आएगा तो वो यही कर देना आप, बस उसको स्फीयर की थिन जगह थिन शेल। शेल बना देना। सेकंड यस सर। अब नॉन सेकंड कंडक्टिंग। केस आएंगे, सारे आएंगे। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, लाइन चार्ज कौन सा केस लिया हमने, फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए। तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास केस क्या क्या हो सकते थे, हमारे पास केस ये हो सर सकता क्या था, तो दोनों तरफ से एक्सटेंड होंगे, या फिर एक ऊपर से या फिर एक नीचे से, इनफिनाइट या तो फाइनाइट हो सकता है, या से इनफाइनाइट हो सकता है, या सेमी फाइनाइट। लिखा। यस सर। सिमेट्रिक बस यही होगा, भी कोई भी गॉसियन सरफेस लोगे उसके सिमेट्रिक चार्ज यही होगा, जितना चार्ज ऊपर है उतना चार्ज नीचे है। इन केसेस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए हम सिमेट्रिक केस के लिए कर रहे हैं, फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए मतलब सेमी इनफिनाइट के लिए नहीं होगा नहीं होगा। अभी समझ आ जाएगा क्यों नहीं होगा, डेरिवेशन करते करते ही समझ आ जाएगा। तो इस तरीके का लाइन चार्ज आपका, ये? ठीक ठीक है थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा देखते हैं।
देखो, और यहाँ पे इसके ऊपर पूरे ऊपर चार्ज है, नेगेटिव, यस सर। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव। ऐसा कर दो, अब रहा है तो यस सर। आपको लग रहा था बस नेगेटिव। अब दिख रहा है हाँ ये एक्चुअली इसी के ऊपर ही। अब लाइन सोचो कि लाइन सर अलग जगह है क्या? लाइन अलग जगह नहीं, ये यहीं पे चार्जर है सारा इस तरीके। यस सर, पिछली बार भी साइड में ही लगाया था, तो इसमें क्या करेंगे, ये कहाँ तक एक्सटेंड, कहाँ तक हो रहा है? ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इनफिनिटी। इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आपको बोला गया है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस होता है वो आप इस तरीके से लो, एक कंसेंट्रिक सिलेंडर, यस सर। सिलेंडर ले लो। सर अगर नेगेटिव भी होगा तो बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती है ना, हाँ नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन उल्टी होगी, कुछ बात जैसे नहीं। अगर आई कैप आता है तो माइनस आई कैप हो जाएगा बस। तो ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस यस सर। इस केस में, यही है हमारा यस इमेजिनरी सर। इमेजिनरी यस गॉसियन सर। सरफेस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, सब जगह से सर रेडियली आउटवर्ड जाएगा फील्ड। है। यस रेडियली आउटवर्ड फील्ड जाएगा। इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे आपको पता है कि फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और डीए भी इधर ही है। जीरो जीरो इस हो पॉइंट जाएगा। पे क्या ठीक होगा? है, टॉप टॉप सरफेस पे क्या होगा? इधर डी ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं। डीए होगा इधर हाँ डी ए तो होगा, और और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा परपेंडिकुलर। फील्ड होगा इधर, यस सर, 90 डिग्री एंगल तभी बनाएगा। जीरो हो गया। वो यहाँ बॉटम सरफेस पे भी क्या होगा? कोई भी सेम एलिमेंट ले लो, होगा, कहीं पे ले नीचे लो, और यहाँ यहाँ पे भी ले लो, परपेंडिकुलर। कहीं पे भी ले लो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है एलिमेंट का इस सरफेस पे देखो, ये कहीं पे भी ले सकते हो आप, इसको कहीं पे भी ले सकते हो पूरा घुमा के। तो जो डीए है वो इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और जब भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो तो मतलब जो जीरो ये होता है, बॉटम जो टॉप सरफेस है और ये जो बॉटम बॉटम सरफेस है और तीसरा सरफेस कौन सा है? कर्व्ड। कर्व फ्लक्स किससे बस पास कर रहा है? कर्व पाथ से। कर्ड से कर रहा है, इससे तो नहीं कर रहा टॉप वाले से, तो नो सर, टॉप से कुछ नहीं जा रहा है और बॉटम से भी नहीं जा रहा। बॉटम से भी नहीं जा रहा है। अगर आप इसको करने की कोशिश करोगे तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। आपने क्या माना है गॉस लॉ में? एक सिलेंडर माना है आर रेडियस का, और कुछ लेंथ भी मानी होगी, फाइनाइट कुछ तो यस माना होगा, सर। इसका लेंथ भी कुछ माना होगा, एल लेंथ का मान लिया। ठीक है, और एक चीज और गिवन होनी चाहिए थी, इसका लेमडा गिवन होना चाहिए था। लेमडा गिवन है पर यूनिट लेंथ चार्ज, अरे ये गिवन होगा, यस सर। ये नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेमडा चार्ज का कुछ तो चार्ज का बारे में पता होना चाहिए ना कि 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना तभी होगा वो उसके टर्म्स में निकलेगा। लेमडा। ठीक है, तो अगर हम गॉस लॉ से लिखना चाहें तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए, ठीक इज है, इक्वल टू ओवर क्यू एनक्लोज्ड बाय। सिलेंडर। हाँ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर पे कितना हो यस जाएगा? सर, क्यू क्यू एन एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले तो यही पूरा लॉ लिखोगे, यस सर। और अजम्पशन पूरा लिखना है इसके पहले, ये ध्यान रखना जब भी डेरिवेशन करोगे बोर्ड आई बोर्ड ज्यूम में। अ सिलेंडर, लेट अस कंसीडर आर, इमेजिनरी सिलेंडर एज अ पहले ये गॉसियन सरफेस। सुनो, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले यहाँ से शुरू करोगे, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लार्ज चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज शोन इन फिगर। नाउ कंसीडर एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म।
विच इज कंसेंट्रिक विद द, जो भी इंग्लिश में लिख देना पूरा, फिर यस सर, डायग्राम में दिखा दो बाकी, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन राइट दिस, पहला टर्म। नाउ क्यू इनक्लोज कितना होगा? क्यू इनक्लोज पॉजिटिव प्लस क्यू प्लस क्यू, अच्छा ये जो है प्लस क्यू कहाँ से होगा? क्यू थोड़ी ना दिया हुआ इस बार आपको, क्यों की टर्म में तो लैम्डा दिया हुआ है ना, चार्ज इनक्लोज कितना होगा, इनसाइड चार्ज कितना होगा? लैम्डा के टर्म में आएगा ना अब तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है कितना? लैम्डा ये हो जाएगा लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल। क्यों? क्योंकि आपको तो ये वाला चार्ज चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर, आपका चार्ज का जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ ये वाले लेंथ में जो है, सिलेंडर ने कवर करा है। जो सिलेंडर ने कवर किया, सिलेंडर के अंदर है जो लेंथ बेसिकली, ये वाला लेंथ। यस सर, ठीक है, आपने उस लेंथ का चार्ज का निकाल लिया, तो क्यू इन इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो फाई क्या होगा? टोटल फ्लक्स। कितना होगा या सर, फाई जो लैम्डा है, फाई बाय एल, टोटल कितना लैम्डा होगा? इनटू फ्लक्स एल बाय टोटल, फाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल जो होगा वो होगा फाई वाया ऑन द टॉप सरफेस प्लस फाई ऑन द बॉटम वो तो जीरो ही हो जाएंगे सरफेस प्लस फाई ऑन द थर्ड को, सरफेस, ठीक है। टॉप एंड बॉटम जीरो, कॉप में टॉप और बॉटम पे तो इसको जीरो कर दो। ये बेसिकली है क्या? ये क्या है टोटल? ये तो बेसिकली इंटीग्रल सर ऑफ एक सी मिनट रुकोगे सर, ए। सर 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 मैं मम्मी को इस फोन दे आऊं, केस में जो है आप ये कर पाओगे, इसको कर दोगे जीरो, जीरो इनको तीनों कर, इसको भी जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या होगा? 90। यहाँ नाइनटी पे भी थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, 90। बस ये सिंपल लिखना। आपका जो टोटल फ्लक्स बचा, ये टोटल फ्लक्स बचा वो तो यही बचा बस। अब फ्लक्स टोटल को क्या लिखे? ऊपर देखो आपने क्या लिखा है, फ्लक्स टोटल कितना होता है? ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनक्लोज भी पता चल गया आपको लैम्डा बाय एल। इस क्वांटिटी को क्या लिखा जा सकता है? अब इस क्वांटिटी को आप लिख सकते हो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला क्वांटिटी कितना आएगा? ये वाला क्वांटिटी आएगा ई इंटू डी ए कर्व्ड इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, और कौन से वाले पे? कर्ड पोर्शन पे आएगा। और कर्ड पोर्शन पे देखो सारे डिस्टेंस सेम है, तो जितना इन्फ्लुएंस यहाँ होगा उतना इन्फ्लुएंस इस साइड भी होगा, उतना कर्ड सरफेस सही यहाँ। ई बार आ जाएगा और एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देंगे, इसमें आप इंटीग्रल से ई बाहर ले लोगे तो कोस 0 तो है ही, और एरिया ऑफ किसका बचेगा? बस कर्ड सिलेंडर पोर्शन का, सिलेंडर का टोटल नहीं। यस सर, उसमें भी आपका जो है इंटीग्रल करना है एरिया को, आपको सिर्फ कर्ड पोर्शन पे। तो आपका आएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इस साइड, और इधर से आएगा ई, और एरिया आएगा 2 पाई आर एच होता है। यस सर, एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना आएगा? लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन लैम्डा नॉट बाय टू टू पाई पाई आर, आर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। यही आया था तब भी, यस सर, यस सर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे 2K लैम्डा बाय आर, अगर K को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K भी लिख सकते हो, ठीक है। वो भी आपको याद रख सकते, अगर कुछ लोग इस फॉर्म में भी आ जाए, अदरवाइज तो यही ठीक है। इसका डेरिवेशन आ जाएगा, तो आपको बस सिंपल केस का डेरिवेशन है। कौन सा सिंपलेस्ट है सबसे? क्यू सबसे सिंपल वाला केस हमारे पास यही था।
समझ। यस सर। सर सेम डेरिवेशन उसके लिए भी हो जाएगी ना, सेमी सर्कुलर रिंग। यस सर। सेमी सर्कुलर रिंग सेम ही था सर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि बट डेरिवेशन नहीं हो पाएगी, वो स्किल आधी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक केस नहीं है वो, तो सरफेस लेना मुश्किल हो जाएगा आपको। ओके okay. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? ये आउटवर्ड आउटवर्ड आई कैप। इस केस के लिए है, तो ये कर ले कर पाओगे इसमें आप उसको नहीं कर सकते। अगर ये आधा होता, मान लिया ऐसा होता सेमी सेमी इनफिनाइट। सेमी इनफिनाइट होता, तब सिलिंड्रिकल सरफेस लेते हैं। इस केस में दिक्कत क्या हो जाती है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एंगल पे आता है इस पॉइंट पे। यस सर। फिर हमने तो कंपोनेंट लिए थे परपेंडिकुलर पैनल। इस केस में क्या होगा, जब वो आएगा ही नहीं तो फिर ये कोस जीरो नहीं आएगा, और कोस जीरो नहीं आएगा तो ये बाहर नहीं जाएगा, यस सर तो ठीक हर है। पॉइंट पे बदलेगा सरफेस के, हर पॉइंट पे एंगल अलग आएगा, थीटा हाँ कोई थीटा आ जाएगा। यस 1 थीटा 2 थीटा 3 आते, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो वो जाएगा नहीं। सर और जाएगा नहीं तो आप उसको इतना सिंपल वे में कि आप इसको एरिया ही लिख दो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। यस सर। और सेम इज द केस विद कोई फाइनाइट लेंथ का चार्ज हो, जो α1 से α2 तक जा रहा था, यहाँ पे भी अगर आप लेने की कोशिश करोगे वहां पे भी नहीं होगा। वहां पे भी नहीं होगा। तो हमको ध्यान रखना है इस तरीके से कि या तो एंगल जीरो रहे या फिर एंगल 90 बन जाए, ताकि टोटल टर्म में जीरो हो जाए। थर्ड पॉइंट देखो, हम देखें इनफाइनाइट शीट चार्ज, कौन सा चार्ज, इनफिनाइट शीट इनफाइनाइट शीट चार्ज कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग। कोई भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही शीट लेनी है, सिंगल ले लो, दो कंडक्टिंग हाँ शीट तो होते हैं। एप्सिलॉन। हाँ, कंडक्टिंग शीट होती है तो दो शीट की तरह बिहेव करती है, बस यही फर्क हो जाता यस सर। फिर नॉन कंडक्टिंग हो गया ना, सिंगल शीट है। इनफाइनाइट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट चार्ज, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट ही लेकर चल रहे हैं। एक एक शीट में चार्ज है, पेपर है जो चार्ज पेपर है, इस तरीके का। इस केस में इस तरीके का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, दिया जाएगा। यस यस सर। चार्ज लिख दो, और क्या गिवन होगा इसका, सिग्मा तो गिवन होगा कि नहीं होगा, चार्ज दिया होगा, दिया डेंसिटी होगा तो चार्ज एटलीस्ट गिवन होना डेंसिटी, चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और आपको क्या बोला था इसमें, मैंने आपको गॉसियन सरफेस लेना भी सिखाया था सर, ऊपर बताया था। इसके लिए गॉसियन सरफेस होगा इस तरीके का, आप लेते हो एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर लेते हो जिसको कट करके जाए, रीजन अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिया, ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि हमको हमारा पर्पस गॉसियन सरफेस लेना नहीं है, हमारा पर्पस उस इंटीग्रल को सॉल्व करने का है। सर क्योंकि जो यहाँ पर जो मतलब सर्कल्स है उन पर आएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर कर्व में नहीं आएगा इस बार ही। इस बार कर्व में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा केस। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ पे, बाहर की साइड ही है, ये बेसिकली जो कर रहा हूँ मैं, ये वाला केस कर रहा हूँ। चलो आप इसी ब्लैक से रहने दो। तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक इस सरफेस पे देखो, डीए कहाँ है, डीए इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। कर्व्ड सरफेस पे क्या हो रहा है, कर्व्ड सरफेस पे डीए कहाँ पे है, ऊपर है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस साइड पे क्या हो रहा है, डीए इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। तो इनको कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज ये वन है, ये सरफेस टू है और ये सरफेस जो है थ्री है, ठीक है। और इसकी जो है गिवन क्या है यहाँ पे, सिग्मा जो है क्या है, सिग्मा सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी शीट डेंसिटी का है, और एक सिंगल शीट है, मतलब एक सिंगल शीट के अंदर चार्ज है। हाँ आपको ये दिख रहा होगा चार्ज जो एनक्लोज्ड होगा वो तो ये वाला चार्ज होगा जो इसके अंदर आएगा, जो यहाँ पे यस इसके अंदर जो इस पोर्शन पे जो चार्ज आएगा वही चार्ज इनक्लोज्ड है जो मैंने हाईलाइट किया है। यस सर सिग्मा इनटू एरिया हाँ, तो अगर मैं क्यू इनक्लोज्ड की पहले ही निकाल लूँ तो आप बोलोगे सिग्मा इनटू ए क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा एरिया ये? यस सर कुल सेक्शन एरिया जो भी हमने हाईलाइट हाँ ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। सपोज ये एरिया ए है आपका, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये क्या चीज है, ये वाली जो बनाई हुई है, ये आपने कौन सी सरफेस बनाई हुई है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, गॉसियन सरफेस इसको गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आपने इस तरीके का लिया। क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 90 90 डिग्री। तो हमारा पर्पज इसी तरीके का होता है कि इस तरीके के सरफेस लो, या तो एंगल उसको इंटीग्रल को खत्म कर दे या एंगल उस थीटा को कांस्टेंट बना दे, जीरो हो कांस्टेंट जाए यस सर कॉन्स्टेंट हो जाए बना दे। तो अब फ्लक्स टोटल कितना होगा, फ्लक्स टोटल आप बोलोगे ये तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और इंटीग्रल में उसको क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ई डॉट डी ई डॉट ये यही डी था, सर क्या था ये, इसको क्या बोलते हैं, किसी को बोलते हैं गोसलो गॉसियन गॉस। देखो अगर आप ये नहीं स्लो लिखते हो ना साइड में बोर्ड में, इसके नंबर कटते हैं, यस सर अगर टेंपर आप, होता था इसका अगर आपने ये लिख दिया ना और ये नहीं बताया कि आप ये कौन सा और किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, तो वो आपके मार्क्स काट लेगा। या फिर यहाँ लिख दो एज पर गॉस लॉ, यस सर या ब्रैकेट में दिखा दो, बिकॉज वी नो इट इज सेट बाय द गॉस, ठीक है। तो अब अगर मैं इन इन दोनों को लेके चलूँ, आगे लेके चलूँ, तो आपको पता है कि क्यू इन तो कितना है, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर इसको मैं तीन पार्ट में लिख सकता हूँ, इसको मैं तीन टोटल सरफेस को तीन में डिवाइड कर सकता हूँ, वन टू यस सर एक जो बॉटम और अबव ये का था और कर्व्ड एक है कर्व्ड और वाला ये राइट साइड में है एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला और एक right कर्व्ड वाला वाला, और एक कर्व्ड कर्व्ड वाला। वाला कर्व्ड वाला जीरो है एक ही जीरो है इसमें सिर्फ तो इसमें सेकंड ये में वाला जो टर्म है ये हो जाएगा जीरो, जीरो ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल कितना होगा, जितना यहाँ पर होगा, क्योंकि शीट का तो कोई डिपेंडेंस होता भी नहीं है उस पे, ठीक सेम है। तो अगर मैं इसको सेम दोनों साइड लेंथ दोनों साइड बराबर है, अगर लेंथ सिलेंडर का दोनों साइड एल एल इधर है और एल उधर है, तो इन्फ्लुएंस भी सेम ही जाएगा, शीट होएगा इनफाइनाइट शीट है, सिमेट्रिक लगेगा उनको डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन शीट का इन्फ्लुएंस सेम जाएगा। तो इधर आएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन और ई बाहर आएगा, यस सर डीए इंटीग्रल का में इंटीग्रल बचेगा डीए, हो जाएगा यहाँ पे भी ई बाहर आएगा, तो इंटीग्रल बचेगा बस डीए का। ए डीए का इंटीग्रल क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए हो ए आ जाएगा, जाएगा सर ए ई ए ये वन को टू कट ई ए जाएगा और ये थ्री पे, सर 2EA यस हो सर जाएगा ए सारा कट जाएगा यहाँ पे आएगा 2EA और ये बचेगा ए सिग्मा से ए ए कट बाय एप्सिलॉन जाएगा नॉट, तो एरिया भी चला जाएगा। तो यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज कितना, इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिंगल शीट की वजह से कितना आता है, यही आता सिग्मा है बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय यस टू सर एप्सिलॉन नॉट। तब तो रट लिया था हमने ये, यस इसको सर डिराइव करने के लिए गॉस लॉ को यूज सर वैसे करेंगे। हम वही मतलब याद ही कर लेना क्योंकि नेट में तो वही आना है सीधा हाँ, नीट के हम लिए तो बोर्ड यही करेंगे है, बोर्ड बोर्ड के लिए जो है, बोर्ड भी तो देना है, तो वहाँ पे ये डेरिवेशन आएंगे। और डेरिवेशन में आपको क्या करके जाना है, इसके पहले क्या लिखोगे भाई, ये ध्यान रखना, इसके पहले आपको वो डेरिवेशन के अजम्पशन लिख देने हैं,
कंसिडर या चार्जशीट। कंसीडर चार्ज शीट और ये सब वैल्यू हमको पता है। प्रोसेस भी बहुत आसान है। देखो क्या करना है हमको, देखो पहले से ही पता वॉशिंग सरफेस लेना है, फिर केस घोसलो लगा देना है, फिर घोसलो। उसको और सरफेस केस भी क्लीन ऐसा है करना ना, है। बोर्ड में कोई केस ऐसा अननोन केस नहीं आएगा जो आप देख के नहीं गए हो, कि गोशन सरफेस समझ ही नहीं आए कैसा लेना है। यस यस सर। सर। फोर्थ आप कर सकते हो एट द कंडक्टर सरफेस। एट द कंडक्टर सरफेस करना। तो कंडक्टर सरफेस पे अगर आपको जाना है, कंडक्टर सरफेस पे क्या बताना चाहिए कि कोई भी, सपोज आप एक सरफेस ले लो, मैं यहाँ पे सर सिग्मा बाय एप्सिलॉन डॉट, सरफेस बना देता हूँ। सर यही है ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन डॉट। हाँ सिग्मा वाई जो अक्सर है नोट यस सर, यही और वाले सरफेस ऐसा बनाया था पिछली बार भी। ले लो और इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव यहाँ पर है और एक पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे कोई इधर तो क्लोज अंदर के सर्फेस से बाहर साइड वो तो उस साइड वाली है जो दिख रही है यहाँ पे। ई इनसाइड 0 होगा। अंदर तो इनसाइड वो हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक यस सर। है। आप यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ पे भी एक सिलिंड्रिकल सर्फेस ले लो, ओके। जैसे हमने शीट शीट के लिए लिया ना, यस सर। तो आप एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लो हॉरिजॉन्टली। बस ऐसा ही, जो सरफेस के परपेंडिकुलर अच्छा एटलीस्ट अच्छा ओके सर। ओके सर। ये ले लो इधर के लिए और ये ले लो उधर के लिए। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा सरफेस है ये वॉशिंग गोशन, सरफेस। ये गोशन सरफेस आपका। इसके ऊपर ये देखो चार्ज इंक्लोज कौन सा होगा, ये वाला चार्ज इंक्लोज करेगा प्लस जो जो यहाँ पर है, इसमें भी तो सर सिग्मा दिया होता था। ये वाला चार्ज इनक्लोज करेगा वो, ये वाला चार्ज यस सर। सिग्मा गिवन होगा, सिग्मा तो गिवन होगा ना, चार्ज डेंसिटी यस ये सर। वो गिवन होगा, ताकि आपके पास इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ये वाला। सिग्मा तो चार्ज एनक्लोज, इनटू चार्ज एनक्लोज स्टेप टू डू आ गया ना, अब आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है सिग्मा इनटू ए, ए हो जाएगा तीन सरफेस, ठीक है। हमको ये भी पता है कि सरफेस पे जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है वो क्या, क्यू। यस सर। यस सर। ई जो आता है, ई इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू सिग्मा बाय फील्ड, यस सर। ठीक है। हाँ 90 पे होता है सरफेस पे। इधर पे ये आउटवर्ड जाएगा, ई इधर होगा, यस सर। थीटा डी ए भी इधर होगा, इस सरफेस पे क्या होगा, यहाँ 0। पे डी ए इधर होगा, और इलेक्ट्रिक ई फील्ड 90 हो जाएगा। ई 90, एंगल 90 बना लेगा यहाँ पे, और अंदर यस तो सर। ई इनसाइड क्या है, ई इनसाइड तो 0 ही है। जीरो ही है, कनेक्टर के अंदर तो सरफेस पे तो जीरो ही होता यस सर। है। तो इस केस में आपका पूरा ही आंसर आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। इस तरीके से करोगे तो वैसे ही कर अगर देंगे सर, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पर क्यू टोटल वन फ्लक्स, को सिग्मा के टर्म्स टोटल फ्लक्स लिखोगे तो आप बोलोगे इट इज क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ में। ई ई डॉट डॉट डी डी ए, क्यू इन आपको पता चल गया सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू यस सर। ई डॉट तो डी ए तीन तीन भाग पार्ट में में जो डिवाइड है कर तीन, देंगे। यस सर। वही तीन थर्ड वाला और कर्व अंदर वाला, का बॉटम और टॉप। बॉटम वाला। यस सर। और टॉप कर्व वाले का 0 हो जाएगा इनसाइड, और बॉटम टॉप का ऐड। यस सर। इनसाइड वाले का आ जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। फिर जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड उसका भी आ पोर्शन जो जाएगा है ई ई डॉट डी डी। ए, और फिर आउटसाइड पोर्शन जो है उसका
या आप अपना नाम दे सकते हैं, या 1 2 3 बोल सकते हैं उनको, कोई कुछ भी आप। यस सर, यस उनका ऑफ वाला 0 क्योंकि ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये 0 तब क्यों हुआ? वाला भी 0 हो गया क्योंकि क्योंकि ये उस सरफेस के साथ 90 बना रहा है, 90 डिग्री है। यस सर, देखो बाहर 90 बना रहा है, और अंदर को जो पोर्शन अंदर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि यस सर, यस सर, वहां 90 नहीं है तो फील्ड था। वहां लाइन ही नहीं है तो फील्ड भी नहीं है। तो अंदर फील्ड की वजह से फ्लक्स नहीं है, और बाहर फील्ड है तो उसको क्रॉस क्रॉस नहीं करके जा रहा है, वो पैरेलल जा रहा है, थीटा यस सर, 90 लिख दो आप, और बचेगा तो बस आउटसाइड वाला। तो आपका आएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, वहां पे ई बाहर इलेक्ट्रिक आ फील्ड को जाएगा, बाहर ले लो, ई बाहर आ जाएगा, यस सर, और एरिया ऑफ ए आ क्रॉस जाएगा। सेक्शन लेंगे तो ए यस हो सर, गया, ए से कट इज जाएगा, इक्वल आंसर टू आ गया। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर, ये आंसर आ गया। एक सिंगल आसान है कंडक्टर सर। के लिए इतना हो जाएगा कंडक्टिंग सरफेस पे। यस कंडक्टिंग शीट होता तो आप बोलते हैं कि ये दो इन्फाइनाइट, दो नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह बिहेव करेगा, सिग्मा यस सर, तो भी बाय सिग्मा टू बाय प्लस एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ऑपोजिट सिग्मा दो, ऑपोजिट डायरेक्शन। बाहर ऐड हो जाएंगे अंदर कैंसिल हो जाएंगे, शीट यस अंदर फिर से 0 याद आता है। हो जाएगा। तो वो मैं करा चुका हूँ आपको यस सर, कराने के लिए। तो कंडक्टर के सरफेस के अंदर भी ये 0 होगा, इसको भी मान सकते हो। यस सर, अब बचा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर। सर, उसमें ई इन था सिग्मा, नहीं, ए क्यू लैम्डा आर बाय आर, कैपिटल आर क्यू, नहीं, तो लैम्डा सिर्फ आर 3 एप्सिलॉन नोट वाला। बाय 3 एप्सिलॉन नोट, यस उसके टर्म्स में भी हाँ था ना, के टर्म्स में, हाँ के टर्म्स में भी था, लैम्डा नहीं था, रो वहां पर, लैम्डा नहीं था, हाँ रो। यस रो रो सर, था। यस सर, और सरफेस का हो जाएगा के क्यू बाय आर के स्क्वायर, क्यू बाय और आर स्क्वायर, और वो भी के आउटसाइड क्यू का भी। बाय आर स्क्वायर। यस, बस वो आर डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, आप ये ले लो फिर, वही चीज ये हमारे पास बना तो हुआ ही है। ये वाला केस है, तो हमको यह कहाँ पे ढूंढना है, इसमें भी, इसमें भी हमको इनसाइड सरफेस इनसाइड सरफेस आउटसाइड, और आउटसाइड। सरफेस और आउटसाइड के लिए तो देखो चार्ज इनक्लोज पूरा ही आ जाएगा, तो आपका यस आंसर सर, सिंपल के के क्यू क्यू बाय बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ही आना। हमारा दिक्कत कहाँ पे है जो हमको करने के लिए, इनसाइड वाला। इनसाइड वाला। तो इनसाइड पहले तो आपको गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, वो भी स्फीयर लेंगे यस सर, सर। छोटे वाला अंदर तो यहाँ पे भी एक स्फीयर, लेंगे। एक अंदर गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक यस सर, है। तो एक छोटे रेडियस आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लिया, अंदर। अब जितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है, ये वाला, यही आपका क्यू एनक्लोज होगा यस सर, उस यस सर, साइड पॉइंट के लिए। इसको भी रहने दो, ये वाले को। अब यहाँ पे दिखा दो, ये आर छोटा, ठीक है। और ये आपका चार्ज हो गया, ये क्वेश्चन सबसे के लिए आपने अंदर इनसाइड पॉइंट के लिए। इनसाइड पॉइंट के लिए आप लिख सकते हो क्यू एनक्लोज जो है कितना होगा, बताओ। प्लस 2।
इनक्लोज कितना हुआ? प्लस यू नहीं अगर इधर डेंसिटी एरिया होगा डेल, ना, डेंसिटी। यस सर, ये क्या डेंसिटी है? लैम्डा चार्ज डेंसिटी, चार डेंसिटी। सो प्लस यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो लिख दो, चार्ज डेंसिटी इनटू डिजायर्ड वॉल्यूम। इनटू इनटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, यस सर। और या फिर अगर क्यू के टर्म में लिखना है तो चार्ज डेंसिटी को लिख दो 4/3 फोर पाई बाय थ्री आर क्यूब। कैपिटल आर का क्यूब, हाँ, और या फिर तो ये क्यू क्यू आर फोर क्यूब बाय बाय थ्री आर पाई क्यूब हो स्क्वायर, जाएगा। उसको वैल्यू पुट कर दो, या फिर ये कर दो, कोई भी क्यू कर आर दो। क्यूब बाय आर क्यूब। हाँ, रो के टर्म में निकालना है तो ये लिख दो, और चार्ज के टर्म में निकालना है तो ये लिख दो, आपकी चॉइस होगी। सब क्यू में निकाल लेते, फिर लास्ट में पुट कर देंगे वो तो। तो इसको निकालना है तो इसको लिख दो। तो बेसिकली क्यू इनक्लोज जो है किसकी टर्म में निकला, आपकी चॉइस है। क्यू क्यू इनक्लोज, इंटू आर क्यूब बाय आर क्यूब, हाँ, क्यू ऊपर इनटू छोटा आर। आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, और यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो इनटू आर क्यूब, यहाँ से लिख सकते हैं इसको। तो यस सर। ये तो चार्ज आ गया। फिर आप इंटीग्रल वही कोसे यूजिंग गॉस लॉ, E dot D is equal to Q enclosed by epsilon। यूजिंग गॉस लॉ आप लिखो, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज यस इक्वल टू सर। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू आर क्यूब बाय में कैपिटल आर क्यू। आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रल ई डॉट डी ए कितना आएगा, ई बाहर आएगा वही सेम, यस सर। एरिया हो और डी जाएगा ए कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आएगा क्यू आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वेयर क्या जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। के बन जाएगा 4/5 epsilon naught, तो के क्यू बाय आर क्यू। तो आपका बच जाएगा ये वैल्यू के क्यू आर बाय आर क्यूब, यस सर। और ये 1/4 पाई। और इसको अगर डेंसिटी के टर्म में लिखोगे तो ये रो आर बाय 3 एप्सिलॉन होता है, रीअरेंज करके लिख सकते हो। यस सर। अगर आप ये लेके चलते हैं ना, ये वाला पार्ट, तो यू विल एंड अप हियर, यहाँ पे पहुंच सकते, आई समझ। तो यस सर। कोई मुश्किल नहीं है उसको, सिंपल हो जाएगा। आउटसाइड के लिए क्या करना है, बाहर एक गॉसियन सरफेस लेना है, वो आपको आता है। ठीक वो तो पॉइंट चार्ज ट्रीटमेंट जैसा आ जाएगा। है, आउटसाइड केक्यू बाय पॉइंट, आर स्क्वायर। हाँ, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या करोगे, सेम एज बाहर एक पीछे। गॉसियन सरफेस जैसे ऊपर किया था। हाँ वही, वो तो ये तो मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, ये वाला, या आपको पता ही है कि ये वाला जो ये किया है ना, ये ठीक यस सर। ये करना आउटसाइड पॉइंट के लिए, कुछ नहीं अलग से कुछ नहीं करना, बार बार जी सेम कल से फिर। यस सर। चीज पे टाइम वेस्ट मत करो, जब आता है तो बस बोल दो कि हाँ आता है। यस सर। ठीक है, यस सर। सर आज क्लास कब ओवर होगी जाना है क्या आपको वहीं पे? सर? 9 बजे जाना है। 9 बजे तैयार होगा ना सर जाने के लिए? हाँ, हो जाएगी 9 से पहले। ओके सर। ऑफलाइन आउटसाइड पॉइंट, क्लास है? हाँ ओ आउटसाइड पॉइंट के लिए रहेगा ये। ऑफलाइन क्लास कैसे लग रही है, बंद नहीं हो गया क्या सिस्टम? वही तो सर आज आ जाए लास्ट। चलो ओके, अभी छोड़ो ये सब डिस्कशन, पहले ध्यान दो। इतना समझ आया अभी तक का? ठीक यस सर। है, इसके बाद आप जो है
वैल्यू जो है या तो मैं आपको रटवा सकता हूँ या बता सकता हूँ, ठीक है? क्या फिर करना एक चाहिए? कैविटी कैविटी वाला भी करना था हमें। वाला भी करना है, अभी वहां नहीं गए हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज सिलेंडर, ठीक है? चार्ज सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग वाला केस लेते हैं। एक तो ये होता है केस, अब इसका रट्टा मारना आपको, कोई डेरिवेशन भी नहीं दे रहा मैं आपको। इसके डेरिवेशन दोगे तो गॉस लॉ से कर भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत बड़ा ही आपको टास्क है ये करना, नहीं निकलेगा। एक चार्ज सिलेंडर है नॉन कंडक्टिंग नेचर का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन है, ठीक है? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ इन दो केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मैं आपको बस रट्टा मरवा रहा हूँ सीधा का सीधा, और फिर आसान है उसको रटना भी चीजों में। ये समझ आना चाहिए निकाल किस केस का रहा है। जैसे चार सिलेंडर होगा, बेसिकली एक सिलेंड्रिकल चार्ज है, जैसे जो लाइन चार्ज था ना, लाइन चार्ज को अगर थिक कर देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा वो, यस सर। तो वही केस कर रहे हैं भाई। जैसे एक ये लिया, एक और यहाँ पे ले लिया, और इनको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये इसका एक्सिस है, ये पूरा चार्ज सिलेंडर है, इसके अंदर फुल फुल चार्ज है सब जगह हर जगह। इस तरीके का सिस्टम है, समझ? अब आपसे पूछ रहा है इसके एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस दूर पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इनसाइड इनसाइड ही लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है ये प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन, मतलब कि आप बस ये ले लो। यहाँ पे एक प्लेन का है, यहाँ पे एक प्लेन है, प्लेन मतलब लाइन है, और ये प्लेन बन जाएगा इसका, ये साइड व्यू है प्लेन का। शीट को बेसिकली सामने से देखने की बात कर रहा है इस तरीके से, नेगेटिव नहीं है, मैं इसको पॉजिटिव कर दूंगा। यस सर, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है इस तरीके का, ये साइड व्यू है, ठीक है? मतलब जैसे ऐसा, वैसे तो प्लेन ये होता है इस तरीके का दिखेगा, या 3D में दिखाऊं तो मैं इस तरीके का दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखता है ना कुछ भी। ये जो था ना, ये जो चीज था, उसको आप इधर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, इस तरीके का दिखाई देगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन की वजह से अंदर ही, उसके बाहर नहीं पूछ रहा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस के अंदर, की पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों केस के बस रट्टा मारना है,
और इसका भी जो है चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका भी चार्ज डेंसिटी, इसका भी चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका भी चार्ज डेंसिटी रो है। अंदर वाले पॉइंट के लिए ई इनसाइड, वो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा आर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके केस में हो जाएगा ई इनसाइड जो है सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, बस ये रटवाना था। क्यों रटवाना था? क्योंकि तो अभी हमने ऊपर देखा ना, यहाँ कितना आ रहा था सिग्मा आर बाय थ्री, टू यहाँ कितना आ रहा सिग्मा आर बाय, और सिग्मा आर बाय वन है मतलब वन है। तो मतलब अगर नीचे थ्री लिखा तो वो अंदर किसके है, कंडक्टिंग स्फीयर के, यस सर, और नीचे टू लिखा है सिग्मा आर तो बाय टू फिर एप्सिलॉन सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के नॉन अंदर है। कंडक्टिंग सिलेंडर और ये अगर ऐसा है तो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, यस सर, ठीक है, हाँ इस तरीके का आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी बेसिकली इस साइड इन्फिनाइट नहीं है, ये इस साइड इन्फिनाइट है, तो ये चार्ज ऐसा चलता रहेगा। तो ये अंदर के लिए रख सकते हो, बस बाहर वाले कैसे से सब इससे ज्यादा नहीं करना हमें। ठीक है, यस सर, याद रहेगा। हाँ इतना हमने ये गॉस लॉ का डेरिवेशन, हमने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी देख लिए थे कैसे किस किस नेचर के आते हैं। ठीक है, यस सर, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर ही पढ़ाना है मुझे वो, मैं यहाँ पे सब पे छोड़ देता हूँ जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सर ये वही है जो फर्स्ट चैप्टर में कर रहे थे, वैसे वैसे ही है ना? हाँ, ये सेम वही वाला, ठीक ओके ओके, है। शायद हमने तब भी किया हो श्रेया, कि नहीं किया था? नहीं सर, इसमें आता है यूनिट डायमेंशन में आता है ना, हम्म, इसमें भी यूनिट्स के अंदर ही आता है शायद। ये किया था ना कुछ सॉलिड एंगल, ये वाला एक 3D एंगल होता है। अच्छा, विल डिस्कस इन डिटेल लेटर लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ हमने, ठीक है, तो विल डिस्कस इन डिटेल लेटर लिखा, तो वो लेटर का टाइम आ गया। आप इसमें कर लेंगे आपको डिस्कस, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना है एक्चुअली क्या यूज होता है, तो मैं यहाँ पर आपको तेरे बताऊंगा। किसमें कैविटी वाले क्वेश्चन था ना, वो भी करा देना, मतलब कराऊंगा केस मुझे, का। हाँ हाँ मुझे पता है। ठीक थ्योरी ऑफ कंडक्टर पे चलते हैं। हमारे दो टॉपिक हैं जो नहीं छोड़े, एक तो मैंने कैविटी वाला केस नहीं कराया आपको, और एक सॉलिड एंगल के बारे में बताना। और कुछ छूटा हुआ है उसके अलावा? नहीं शायद से। एक गॉस लॉ इन अ मीडियम भी बताना, आपको बोला था पर आप नहीं पढ़े होंगे मुझे लगा। अरे आपने उसने बता तो दिया था, 1/k से जो भी फैक्टर बोलेंगे उसी से डिवाइड कर दोगे, बताया था क्या? आपने बता दिया था ना सर, जब हम वो क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, चलो जब मैं कंक्लूड करूंगा सारा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे तब भी आ जाएगा बच्चे को। ओके। थ्योरी ऑफ कंडक्टर बचा हुआ है बस। थ्योरी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें से करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी।
पास वो पढ़ी गई क्या बैंड थ्योरी, थ्योरी? वो बैंड की जो थ्योरी है ना ना, बैंड फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे। वो केमिस्ट्री में है ना, थोड़ा थोड़ा बड़ा हाँ सही हाँ था वो। वो नहीं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। इस चीज को कनेक्टर बोलते, बताओ। मटेरियल विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू। अ मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। इन इट्स वैलेंस शेल, इसी के वैलेंस शेल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल यस तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, यस। और सिंपल डेफिनेशन कि जिसके बल्क में जो है इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर पाए उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। सर होगा ऐसा कि नहीं होगा? होगा। तो हम दूसरे तरीके से चीजों का एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तो हमने मैथमेटिकली किया था, जैसे कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे क्या, हमने कंडक्टर के अंदर फील्ड देखा था, कितना था? 0 आया था। यस वो तो आपने पहले तो मैंने बता दिया, फिर मैंने गॉस लॉ से डिराइव करा दिया, बट अभी वो हजम नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब हाँ, कि मतलब सरफेस पे क्यों लाई करता है। चार्ज सरफेस पे क्यों लाई करता है, वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन की वजह से 0 हुआ, आपने मैथमेटिकली तो चलो ठीक है प्रूव सिग्निफिकेंस हो गया। मतलब क्या है। हाँ, इस फिजिकली फिजिकली व्हाट हैपेंड एक्चुअली, कि ऐसा क्या हो गया कि सरफेस के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गया। तो उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, कंडक्टर को ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि होगा क्या। एक कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? कंडक्टर प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर को हम रख दिया। एक सिनेरियो लेते हैं, ये इसी का ही, या फिर कोई कंडक्टिंग बॉडी सपोज ये ले लिया आपने, जोर से दर्द हो सकता कंडक्टिंग के लिए ये लिया और इसको रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मैं मान भी लेता हूं कि इससे पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने मान लिया, एक अजम्पशन लिया कि चलो पास कर रहा है, तो क्या हुआ? जैसे ही आप इसको इस तरीके से रखोगे, थोड़ा इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहां रख दिया, ऐसा रख दिया आपने, यह आपका ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल वाला। जैसे ही आप रखोगे, आपको एक चीज पता थी कि इसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, इसके अंदर जो थे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे यहाँ पे, ये अंदर थे इसके मटेरियल के, और उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी था कहाँ पे, प्रोटॉन्स के अंदर। ठीक है, इनके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? जैसे ही आप ये देखोगे ना, ये था नहीं पहले ऑलरेडी, जैसे ये था नहीं, जहां पे ई एक्सटर्नल है इसको बाहर उसी निकाल, डायरेक्शन में। इसको बाहर निकाल लो, ये इधर रखा, फील्ड में नहीं रखा था, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ये यस आराम से सर। बैठे हुए थे। आप जैसे ही फील्ड को स्विच ऑन किए, मतलब आप इसको यहाँ पे एकदम सडनली फील्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रॉन है तो इनके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू होगा, तो मतलब इनके ऊपर एक फोर्स लग लेफ्ट जाएगा साइड इस डायरेक्शन में, सब पे फोर्स यस सर। है ना, प्रोटॉन्स पे आगे लगेगा। तो प्रोटॉन पे आगे लगेगा, यस सर। तो प्रोटॉन मूव कर पाएंगे क्या, या इलेक्ट्रॉन नहीं, मूव वो कर पाएंगे? तो वो बाउंडेड रहते हैं न्यूक्लियस तो से। न्यूक्लियस के अंदर है,
यस सर, वो नहीं लेंगे, फ्री वो नहीं होते लेने, इनके इलेक्ट्रॉन है। यस सर, ऊपर सब जगह फोर्स लगेगा, तो ये सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? बैकवर्ड जहां पे फोर्स लग रहा है बैकवर्ड फोर्स लग रहा है सरफेस सारे के सारे, तो दे विल ऑल ट्राई टू रश टुवर्ड दिस साइड। ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे इधर भागेंगे ऐसे, जैसे पे। स्विच ऑन किए तो तभी के तभी आ जाएगा एकदम से, एकदम इंस्टेंटली। जैसे ऑन किए यस सर, इसको, यहाँ से आने में एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम बस ऐसा फील्ड हाँ क्योंकि फील्ड में ही फोर्स लगेगा। में ही फोर्स लगेगा। ठीक है, यस सर, आपने फील्ड ऑन किया, ये कितना लगेगा फोर्स? जो भी इसका चार्ज है, क्यू इंटू ई, क्यू ई इंटू क्यू। यस सर, इंटू ई, तो होगा क्या? नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। एक तो आपने फर्स्ट लिया, ये फर्स्ट सिनेरियो, तो कॉपी कर लेता हूँ। अब देखते हैं, ये समझाने के लिए हो रहा सब कुछ, सब बनाए जा रहे हैं, तो छोटा भी किया जाता है, छोटे में समझ नहीं। अब देखो सेकंड पिक्चर में दिखाता हूँ आपको, अब क्या होगा। जैसे ही आप इनको ये रश करने की कोशिश करोगे, तो मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे इसके, सारे तो नहीं, बट मैं अगले पिक्चर में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाना चाह रहा हूँ इस वजह से। ठीक है, अब होगा क्या? जैसे ही आप इसको रश करोगे, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू होंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया, दो आए, चार आए, पांच आए, छह आए, आठ आए, 10 आए, ऐसे आते रहेंगे। और उधर क्या आता रहेगा? उतना पॉजिटिव चार्ज। उधर उतना ही इलेक्ट्रॉन कम होता रहेगा। तो एक सरफेस की साइड जाए, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव आता रहेगा, एक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। तो होगा क्या, आपको नहीं लगता एक फील्ड यहां से यहाँ फिर एक और इंड्यूस हो जाएगा? क्योंकि यस पॉजिटिव से सर, नेगेटिव तक फील्ड जाता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से सेटअप हो जाएगा। इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ये अपने आप नहीं आया, जैसे आपने फील्ड में रखा इंड्यूस हुआ है चार्जेस की उसके वजह बाद से। आया। जैसे चार्ज का यस सेपरेशन सर, हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड जाना शुरू होगा फिर से, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है बेसिकली? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बीच में इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उनके साथ क्या होगा? मान लिया ये तो सब जगह होगा, ऐसा तो होगा नहीं यहाँ यहाँ होगा। यस सर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, ये सब जगह आएगा। अब जो ने जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, व्हाट हैपन टू देम? जो बीच में और भी इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, ऐसा तो नहीं सारे ही आ गए? इसके पास क्या होगा? इसके ऊपर एक फोर्स तो लग रहा था, किधर? इसके अपोजिट कौन से वाला? एक्सटर्नल की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड कहाँ लेके जाना चाह रहा है इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन यस सर, में, ये तो जा रहा है एफ एक्सटर्नल की वजह से। और एफ इंड्यूस किधर लग रहा है? इसके ऊपर आगे आगे। अरे ये बेसिकली ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा अब? करेगा। और ये वाला इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा कि और मत आओ इधर, बहुत हो गया पहले ही। यस सर, यस सर, तो इंड्यूस, एफ इंड्यूस, के ऊपर एक फोर्स भी इंड्यूस हो जाएगा। एम अगर ये ज्यादा हुआ, तो तो फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। फिर ये आके यहाँ जमा हो जाएगा। यस सर, जैसे ही यहाँ पे जमा हो गया आके, तो ये फील्ड और स्ट्रोंग हो जाएगा। सर ये नेगेटिव वाला बताना फिर से, तो नेट नहीं था यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि अब एक ने अगर जो बाकी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तो और भी बचे हुए ना उसके अंदर, यस सर, उन इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है? अब फील्ड इंड्यूस हो गया। फील्ड यस सर, इंड्यूस हुआ, क्यों हुआ वो समझ आया? क्यों यस सर, हुआ बताओ। सर फील्ड इसलिए इंड्यूस होएगा क्योंकि सर हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ आ रही है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहेंगे।
जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई हाँ किया उनके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू हुआ, ये यस वाला। सर, तो वो क्योंकि उधर से फोर्स फिर लगता है आने जब लगी, फील्ड आता है, हाँ जितनी फील्ड उधर आई चलने के नेगेटिव अंदर चार्ज चार्ज रख है तो दिया, भाई ऑपोजिट लगेगा। तो वो भाग गए उधर सारे के सारे लेफ्ट साइड, यस सर, भाग के इधर आ गए। अब भाग के इधर आ गए तो इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज, तो तो पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ एक फील्ड इंड्यूस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, तो फील्ड इंड्यूस होगा। यस तो अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन है ना, जो भी बल्ब के अंदर है, जो अभी पहुंचे नहीं है इस साइड, यस सर, उनके ऊपर अब दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसकी यस वजह से सर, एक एफ इंड्यूस्ड और एक एफ एक्सटर्नल। और एक इसकी वजह से, ठीक है, इसको और हाईलाइट कर, हाँ एक इसकी वजह से, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ग्रीन वाले की वजह से, वो तो इधर लगेगा अपोजिट टू द फील्ड, और एक्सटर्नल वाले का इधर लगेगा, यस सर, आए समझ। तो होगा यस क्या, सर, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, अगर अगर ये अभी भी बड़ा हुआ ना ये वाला, ठीक है, तो ये इसको इधर ले, एफ एक्सटर्नल बड़ा हुआ तो ये इसको खींच के इधर ले करके आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा फाइनली, होगा। और यस सर, अगर ये इस साइड आ गया तो एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे तो एक और बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ और एक और बढ़ गया तो फील्ड इंड्यूस और बढ़ जाएगा, फील्ड हाँ तो इंड्यूस और बढ़ जाएगा तो ये भी एफ भी बढ़ेगा। एफ भी यस बढ़ेगा, सर, तो मतलब अगला वाला जो है थोड़ा कम एक्सेलरेशन के साथ इधर आएगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल ये थोड़ा वैल्यू बढ़ गया है, फिर यस सर, हाँ कम हो जाएगा। यस सर, और चार्ज आएगा यहाँ पे, फिर ये बढ़ेगा, फिर यस सर, ये बढ़ेगा, और कभी ना कभी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल इक्वल, इक्वल कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड हाँ, मतलब ऑपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, मतलब इंड्यूस फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स तो क्यू इक्वल ही इन है ना, मैग्नीट्यूड हो ये जाएंगे। लगाएगा क्यू ई ई एक्सटर्नल और ये लगाएगा क्यू इनटू ई इंड्यूस, क्यू तो मैग्नीट्यूड ही है, कैंसिल हो जाएगा, यस सर, इसका फोर्स बचेगा बेसिकली, जैसे ही इक्विलिब्रियम में आएंगे, और वो तो आना ही आना है, इक्विलिब्रियम क्यों आना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा, फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा अंदर वाला, तो यस सर, तो पॉजिटिव कभी ना कभी तो वो पहुंचेगा ही, क्योंकि अंदर कितना चार्ज है, अंदर तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसा तो दो चार इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है बल्क में, चार्ज। एक कोई भी एटम लोगे उसके अंदर इनफाइनाइट एटम्स हैं, सिक्स पॉइंट जीरो इनफाइनाइट टू एटम्स है तो टेन टू फाइव ट्वेंटी थ्री, वो तो एक मोल में ही है ना, तो पार्टिकल में भी तो उतना है ना। हाँ, तो एक मोल ही ले लो, एक मोल में कितने हैं देख लो, 10^23 तक जा रहे हैं, एवोगैड्रो, यस सर, तो 10^23 तक जा रहे हैं तो आप देख लो खुद ही, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, इक्वल हो जाएंगे सर, फिर कट जाएगा, वही रहेंगे। जीरो, तो अंदर नेट देखेंगे तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जैसे ये इंड्यूस होगा थोड़ी देर बाद क्या होगा, दो फील्ड होंगे किसी भी पॉइंट पे, वही जो मैंने दिखा हुआ ये फोर्स एक्सटर्नल के टर्म में लिखा हुआ, फील्ड के टर्म में लिखूंगा तो दो फील्ड होंगे, एक इंड्यूस्ड और एक अच्छा यस सर, दो होंगे, एक फील्ड, एक एक एक्सटर्नल, एक इंड्यूस्ड और एक एक एक्सटर्नल। फील्ड एक्सटर्नल, यस सर, ठीक है, और इंड्यूस फील्ड बढ़ता रहेगा, इंड्यूस, यस यही सर, जैसे होगा कि जैसे नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज आता रहेगा। यस सर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा तो फील्ड इंड्यूस बढ़ता रहेगा, सर, इंड्यूस तो लेकिन तब बढ़ेगा ना जब एफ एक्सटर्नल बढ़ेगा। एफ एक्सटर्नल इंड्यूस की वजह से बढ़ेगा, एफ एक्सटर्नल क्यों बढ़ेगा, वो तो गिवन है, ये कांस्टेंट है जी, ई एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल भी कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है आपकी, इसको मत छेड़ो आप, ये चेंज नहीं होंगी, ये क्यों, अरे ये जब चेंज ही नहीं हुई तो ये क्यों चेंज होगा, सही बात बताना, आपने ये बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा, तो फिर जो भी रिपल्शन अट्रैक्शन जो होगा वो और भी बढ़ जाएगा, तो एफ इंड्यूस्ड और बढ़ गया। ये बढ़ेगा ना, ये चेंज हुआ ना, इसको सो वो क्यों, तब तभी तभी बढ़ेगा ना जब इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, हाँ तो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया दिक्कत, तो फिर इलेक्ट्रॉन को उस तरफ कौन लेके जाएगा।
उसको ये लेके जाएगा, ये बड़ा तो है सर वो छोटा तो थोड़ी। तभी जाएगा ना जब एफ एक्सटर्नल एफ इंड्यूस से बड़ा होगा। देखो एक तो ये होगा बड़ा और एक होगा बढ़ा, कौन से वाला बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़ा हाँ पहले ये वाला, ठीक पहले वाला बोल रही है सर ये। है ठीक है ठीक है, मुझे लगा ये बोल रहे हो बढ़ जाए, ये बढ़ जाएगा इतनी। नहीं मतलब वो बड़ा होगा उससे, तब तक तब इनिशियली तो बड़ा ही होगा, यही तो है, पहले तो था ही नहीं यस सर, ना। तभी तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा और तभी उसके बाद एफ इंड्यूस बड़ा होगा। क्योंकि ये पहले था ही नहीं ना जब इंड्यूस, अगर यहाँ केस में था थोड़ी इंड्यूस, यस सर वो उधर जाने के बाद, जाने के बाद ही तो आना शुरू हुआ। यस सर जब सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सिनेरियो हुआ। इसमें अगर मैं यस सर एक और पिक्चर बनाऊँ यहाँ पे, अब आपको समझ आएगा ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड आफ्टर सम टाइम, होगा कि नहीं होगा ठीक है। मतलब यस सर नो नेट फोर्स फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनसाइड, ठीक है, जो अंदर बल्क में है उनके ऊपर अब कोई फोर्स नहीं लगेगा। यस अब यहाँ पे देखो इस समय पे क्या हो रहा होगा, अंदर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, एक अंदर के किसी भी पॉइंट पे अब एक तो फील्ड हो गया इंड्यूस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये तो हो गया इंड्यूस, और ये एक्सटर्नल जो ये वाला रेड वाला जा ही रहा है, इसको बना देता हूँ रेड से, जो जा रहा है ये एक्सटर्नल, ये वाला जो ऊपर दिखाया हुआ है ठीक है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड क्या होगा जैसे ही आप उसको करोगे, आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स ही नहीं होगा। इनसाइड, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे आप लिखोगे ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, यही होगा वेक्टर लिख, दोनों यस सर अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, तो यस सर किसी भी पी पॉइंट पे नेट इनसाइड फील्ड इलेक्ट्रिक होने रहेगा ठीक है। एंड हम ये लिख सकते हैं वी कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, होता रहेगा कि मैंने अभी until and आपको unless it is not equal to external, yes sir कंटिन्यू टू इंक्रीज ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम equilibrium is attained। नेट फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बिकम जीरो जीरो ठीक है, यस क्योंकि सर क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो हो जाएगा। कहाँ पर, कौन से पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि इस एफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है और एफ इंड्यूस इक्वल हो जाएंगे। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि एक यस सर ये कांस्टेंट था ये बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो इक्वल होगा, यस सर और वो इलेक्ट्रॉन जितने तेजी से भागते रहेंगे उतना ज्यादा स्ट्रोंग होता रहेगा ठीक हाँ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस जो है वो उसको जीरो कम कर देगा। और ये कहाँ पर होगा, ये एक पॉइंट पे होगा या हर पॉइंट पे होगा, हर पॉइंट जो भी अंदर लाए करेगा। जो भी अंदर लाई करेगा वहां सब जगह इलेक्ट्रॉन रुक जाना चाहिए यस ना, क्योंकि सर अगर नहीं रुकेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आए तो फील्ड इंड्यूस बढ़ जाएगा। तो फिर वो वही रह जाएंगे ना सर पार्टिकल्स। कुछ तो आएंगे, जो आ गए तो आ गए, और जो नहीं आए तो वो फील्ड में रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन अंदर है फिर वो अंदर ही रहेगा, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई फर्दर फोर्स ही नहीं है। अच्छा
तो फिर अंदर से चार्ज तो हो गया ना अंदर। चार्ज तो पहले भी था, देखो पहले भी हाँ क्या पहले था, न्यूट्रल था। यस सर अभी भी पहले प्रोटॉन थे इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी यस प्रोटॉन सर थे इलेक्ट्रॉन थे, अभी भी प्रोटॉन थे इलेक्ट्रॉन थे। बट उसमें से आगे ये इलेक्ट्रॉन में चले इलेक्ट्रॉन गए इधर चला प्रोटॉन। गया, तो ये इधर आ यस गया, ये सर इधर आ गया, ये इधर आ गया, लास्ट वाले के में पॉजिटिव प्रोटॉन प्रोटॉन रह गया, ठीक यस सर है, और ये आया, तभी क्या हो गया, एक फील्ड इंड्यूस हो गया। उसने क्या किया, ये बोला कि अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन है जो यहां से रहे, ये बोला कि अब उधर मत जाओ, मैं तुम्हें ट्रैक करके रखूंगा, ठीक है, इसको बोला कि अब तुम उधर मत जाओ, मैं तुम्हें ट्रैक, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, तो यस सर ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर ही खींचेगा, और ये बोलेगा कि अब ये भी रिपेल करना शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ इंड्यूस नेगेटिव आ गया, ये यस सर हाँ हाँ बोलेंगे और यस मत आओ। यस वो सर हाँ वो सिनेरियो का कि अंदर अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन फिर इधर उधर मूव करना बंद कर देंगे, ओके सर ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा टोटल, तो ये बन जाएगा आपका केस, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड, ठीक है, तो यहां से फील्ड आएगा, तो अगर जब नेट फील्ड जीरो ही हो जाएगा तो क्या आप अंदर फील्ड लाइन दिखा सकते हो, नो सर आप अंदर फील्ड लाइन दिखा सकते हो, कोई नहीं दिखा सकते। नो सर नहीं दिखा सकते ना, तो मैं इसको थोड़ा सा जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया तो यू कैन नॉट, थोड़ा सा डेंस कर देता हूँ ताकि मुझे नंबर ऑफ लाइन ज्यादा बना पाऊँ मैं, तो ये लाइन तो फिर अंदर तो जाएगी नहीं, ये यहीं तक रहेगी, यस सर पर वहां वहां पे फिर से फील्ड आएगा तो एक नई लाइन बन जाएगी, ठीक ज्यादा लाइन में, बस अपने सहूलियत के लिए दिखा रहा हूँ, वहां पे भी दिखा सकते हो पहले वाले में, समझ आया क्या हुआ सिनेरियो, कि जो पीछे लाइन आ रही थी वो थी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यस सर और सडनली क्या हो गया, कंडक्टर के सरफेस पे आके रुक गया, क्योंकि अंदर क्या कर दिया, एक इंड्यूस अंदर फील्ड, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया और फिर उसके कारण एफ नेट जीरो हो गया। एफ नेट जीरो तो ई नेट जीरो, और ई नेट नेट जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकी, इसलिए नहीं अंदर कोई भी नहीं है। नहीं तो ऐसा अपियर हुआ, हमको ऐसा अपियर हुआ कि जो लाइन आ रही थी वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गई और वहां से ओरिजिनेट हो गए फिर से, यस सर यस सर एक ऐसा हमने आपने बताया था कि भी ऐसा लग रहा है कि ये टूट गई है पर टूटी नहीं है, टूटी नहीं, वो आके अपना हो अपीयर हो गया, रही है वो सिर्फ। ऐसा अपियर हुआ, समझ आया क्या सिनेरियो। यस सर अब ये इस एक्सप्लेनेशन में क्या है, ये तो हमेशा ही होगा, यस सर तो दिस इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, क्या यस सर रीजन मिला बताओ खुद ही, सर क्योंकि जो ई ई एफ तो एक्सटर्नल था क्योंकि वो एक सबसे पहले क्या होगा, जब चार्ज रखेंगे तो ई एक्सटर्नल आएगा, और फिर जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उस बॉडी को और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते ही हैं, तो फिर उन इलेक्ट्रॉन्स पे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, प्रोटॉन तो बाउंडेड है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो जब हमने ई एक्सटर्नल लगाया तो उन पे एफ एक्सटर्नल लगा, और फिर एफ एक्सटर्नल क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, और
हाँ तो एफ एक्सटर्नल लगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे एक साइड पर शिफ्ट हो गए जहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगा था। फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए तो सारा नेगेटिव चार्ज उसी तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज ने अपने आप को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहां पे अगर नेगेटिव चला गया तो इंड्यूस वहां पे पॉजिटिव हो गया। तो अब दोनों तरफ ऑपोजिट चार्जेस आ गए तो एक ई इंड्यूस आ गया रिपल्शन और अट्रैक्शन के कारण। फिर जब ई इंड्यूस आ गया वो आया था लेफ्ट की डायरेक्शन में तो उसके ऑपोजिट लगेगा एक एफ एफ इंड्यूस एक्सटर्नल, राइट की डायरेक्शन में। अब यस सर, क्योंकि जो एफ एक्सटर्नल है वो बड़ा है किसे ई एफ एफ इंड्यूस से, तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसको उसी नेगेटिव वाली पोजीशन पे ले जाके कोशिश करेगा कि वहां पे उसे लेके जाए। फिर जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे फिर एफ तो इंड्यूस एफ और इंड्यूस बढ़ने बढ़ लगेगा, जाएगा, तो एक कंडीशन इंड्यूस ऐसी मतलब आएगी बढ़ता ही कि एफ रहेगा, इंड्यूस यस सर, इतनी बार बढ़ जाएगा कि वो उसके इक्वल हो जाएगा और हमें इक्वल पे इक्विलिब्रियम जाने अटेन नहीं हो देगा, जाएगा। फिर यस सर, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद तो इलेक्ट्रॉन का फर्दर मोशन, एफ नेट जीरो तो ई नेट जीरो, ई नेट जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया कि कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कंडक्टर के अंदर नहीं होंगी, उसके बाहर होंगी। हमें ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी है लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जगह टर्मिनेट करी और एक जगह ऑरिजिनेट ठीक है करी। ठीक है ठीक, चलो डन, यस यहीं सर, से कंटिन्यू करेंगे कल, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बाय। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लाइन नहीं करती है, यस ठीक सर, यस सर, है, यही एक्सप्लेनेशन होता है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय सर।